जय माता दी। प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी सचदेवा में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक छोटे छोटे उपाय या छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो भी आपको छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ वो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आ सकते हैं। और ऐसे उपाय करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। आज मैं जो नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो नए साल के दिन आपने ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, तो आइए मैं आपको वो कार्य बताता हूँ। पहला कार्य है कि आपने अपने नित्य कर्म से तैयार होकर सुबह मंदिर, गुरुद्वारे या आप जो भी धार्मिक स्थान पर जाते हो तो आपको जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ मीठा या अपनी इच्छा के अनुसार फ्रूट जरूर लेकर जाएं। ऐसा करने से और परमात्मा के जब आप फ्रूट लेकर जा रहे हो धार्मिक स्थान पर, तो परमात्मा के आगे आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे और हमारे लिए 2020 नया साल हमारे लिए अच्छा आए। दूसरा कार्य, आपने अपने घर में नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करने के लिए नमक का पोंछा जरूर लगाएं। नमक के पोंछा लगाने से आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होती है। तीसरा कार्य, आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आपके घर में पूजा पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। नए साल पर पूजा पाठ करने से भी आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन दूर रहेगी। चौथा कार्य, अगर आप नए साल पर किसी गाय को कुछ खिलाते हो या दान करते हो, किसी ब्राह्मण को अगर कोई दान आप करते हो या किसी जरूरतमंद आदमी या किसी गरीब को कोई आप वस्तु दान करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको नए साल पे मिलेगा उसका। तो आपके घर में और आपके लिए वो खुशियाँ ही जीवन में लेकर आएगा। चौथा कार्य, आपने अच्छे कार्य करने के लिए संकल्प लेना है आपने, और जो आप बुरी आदत है आपकी वो जो छोड़ने का भी आपको संकल्प करना चाहिए। अच्छे कार्य करने से ही अच्छी खुशी आपके घर में बनी रहेगी। पांचवा कार्य है कि अगर आप या हम सभी सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो उस माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपने अपने घर के अंदर, अपने मंदिर में और अपने कार्य क्षेत्र या बैठकर कार्य करते हैं, जितना भी आप साफ सफाई का ध्यान दोगे वहाँ पर और सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, तो उतनी ही कृपा माँ लक्ष्मी की आपके जीवन पर बनी रहेगी। और नए साल पर ये कार्य करने से आपके जीवन में अंधकार कभी भी नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। और जितना भी आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए और उन लोगों के लिए जिन जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी लाभ मिलेगा, उन लाभ का कुछ हिस्सा आप तक भी पहुँचेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में मुझे जय माता जरूर लिखिए। जय माता दी।